अगर आपका पास्ट में शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल था या आपका अभी अभी शेंगेन वीज़ा का रिफ्यूज़ल आया है और आप दोबारा शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं कि करना चाहिए या नहीं, तो क्या आपका शेंगेन वीज़ा आ सकता है? इस वाले वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की फ़ाइल तैयार करानी हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। अब मैं अपने उसी सवाल के जवाब पे आता हूँ कि क्या पास्ट के शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल से के बाद या रिसेंट शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद अप्लाई करने पे आपका शेंगेन वीज़ा आ सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल आ सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने सैकड़ों शेंगेन वीज़ा कराए हैं। आप इस चैनल के कम्युनिटी पे भी जाके उन्हें चेक कर सकते हो। मुझे मालूम है कि ना जाने कितने ऐसे लोग थे जिनके पास्ट में एक रिफ्यूज़ल था, दो था या तीन थे शेंगेन से, और उसके बाद वो मेरे पास आए, मैंने उनकी फ़ाइल तैयार की और उनका वीज़ा आ गया। अभी एक घंटे पहले ही एक कपल ने मुझे बताया कि उनका फ्रांस का वीज़ा आ गया है। वो एक महीने पहले मेरे पास आए थे, उन्होंने करीब 2 लाख रुपए की होटल और फ्लाइट की कन्फर्म्ड एंड पेड नॉन रिफंडेबल बुकिंग करा रखी थी जब वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन उनका वीज़ा नहीं आया था। मैं कॉन्फिडेंट था कि उनका वीज़ा मैं करा दूंगा क्योंकि उनका प्रोफाइल अच्छा था। तो देखो, आपका वीज़ा ज़रूर आ सकता है अगर आप पिछली गलतियों को सुधार लो। जैसे कि मैंने आपको अभी इस कपल का बताया, इन्होंने करीब एक महीने पहले जो वीज़ा एप्लीकेशन की थी उसमें देखो, ये आईटी सेक्टर के थे, अच्छा इनका प्रोफाइल था। तो जब इन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन की थी उसमें इन्होंने दिखाया कि ये लगभग 12 दिन सिर्फ पेरिस में रुकेंगे। तो कौन ऐसा करता है कि इंडिया से यूरोप जाए और सिर्फ 12 दिन वो पेरिस में ही रुके? ऐसी गलती आप मत करना, आपको अलग अलग सिटीज़ दिखाने चाहिए। तो अगर किसी का प्रोफाइल अच्छा है और फिर उसकी रिफ्यूज़ल आई है, तो मैं श्योर होता हूँ कि ज़रूर उस पर्सन ने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है और वो आपको सुधारनी है। सबसे मेन गड़बड़ जो लोग डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं, जो मेरे को काफ़ी आम दिखती है, जो पास्ट के रिफ्यूज़ल लेके मेरे पास केसेस आते हैं, वो होता है इम्प्रॉपर ट्रैवल प्लान, जिसमें लॉजिक नहीं बन रहा होता। तो आप एक बहुत ही लॉजिकल ट्रैवल प्लान बना के अच्छी सी आइटनरी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में लगाना। मेरे से फाइल तैयार करा रहे हो तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं, बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ मैं ट्रैवल आइटनरीज का, क्योंकि यूरोप के अलग अलग सिटीज़ पर ना जाने कितने सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों को टूर भी गाइड करता हूँ, घूम के भी आता हूँ। तो इसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा, चाहो तो मुझसे फ़ाइल रेडी करा लेना। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो एक तो आप, और पास्ट में रिफ्यूज़ल थे तो इस बार एक तो आप अपने ट्रैवल प्लान को अच्छा करें, दूसरा कवर लेटर में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे बहुत अच्छे से बताएं कि मैं ये करता हूँ, इतना कमाता हूँ, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये यहाँ यहाँ मैं घूमने जा रहा हूँ, ये मेरा हनीमून है, या मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ या अकेले जा रहा हूँ, जैसे भी है। ट्रैवल आइटनरी अच्छे से लगाएं, ट्रैवल इंश्योरेंस में सारी जो डेट्स हैं वो कवर्ड हों, जो आपने NOC लिया है कंपनी से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से सारे जो भी आपके ट्रैवल वाले दिन हैं वो सारी डेट्स की लीव आपकी अप्रूव्ड हो, सैलरी स्लिप आपकी लास्ट 3 मंथ्स की हो, बैंक स्टेटमेंट में सफिशेंट बैंक बैलेंस आपने दिखाया हो। ऐसा ना हो कि 15 दिन के लिए जा रहे हो और अकाउंट में दिखाया 1 लाख रुपये। अगर 15 दिन की ट्रिप है तो पर पर्सन कम से कम 3 लाख रुपये आप ज़रूर शो करना, ठीक है? तो जब आप अच्छे से ये सारा करेंगे, यकीन मानो ज़रूर शेंगेन वीज़ा आएगा दोबारा अप्लाई करने पे भी। तो क्या उसी कंट्री में अप्लाई करना है या कंट्री बदलना है? उसी कंट्री में अप्लाई करना। देखो यहाँ 2 केस हैं, अगर ऐसा है कि आपका बहुत पहले रिफ्यूज़ल था 3 महीने से ज़्यादा टाइम पहले, तो आप कंट्री चेंज कर सकते हो इस बार। लेकिन अगर आप मेरे पास आए हो दोबारा अप्लाई करने के लिए या खुद भी अप्लाई कर रहे हो और आपका अभी अभी रिफ्यूज़ल था, तो आप उसी कंट्री में अप्लाई करना। जैसे इस कपल के एग्जांपल से बता रहा हूँ जिनका आज अभी आया वीज़ा, इनका फ्रांस से रिफ्यूज़ल था 1 महीने पहले, तो मैंने फ्रांस से ही कराया। ऐसी एक लड़की थी, उसका 2 हफ्ते पहले शायद जर्मनी से रिफ्यूज़ल था, जर्मनी से कराया। एक और लड़की थी, वो भी आईटी सेक्टर की थी, फ्रांस से रिफ्यूज़ल था, फ्रांस से कराया, तो सक्सेस मिली। तो अगर जस्ट अभी अभी रिफ्यूज़ल आया और दोबारा अप्लाई कर रहे हो गलतियाँ सुधार के सही बेटर तरीके से, तो उसी कंट्री में करना है, ठीक है? अगर पहले कहीं रिफ्यूज़ल था तो आप कंट्री चेंज कर सकते हो, फिर वो एकदम फ्रेश एप्लीकेशन मानी जाएगी। तो ये मैंने बताया ऐसे केसेस का जिनका प्रोफाइल अच्छा है, मतलब वो यहाँ अच्छा कमा रहे हैं या तो जॉब से या अपने काम से। अब आते हैं वीक प्रोफाइल, एवरेज प्रोफाइल, अबव एवरेज और बिलो एवरेज प्रोफाइल पे। देखो, अगर आपका रिफ्यूज़ल पहले था तो हो सकता है, अच्छे चांसेस हैं कि डॉक्यूमेंटेशन तो पता नहीं आपकी प्रॉपर थी या नहीं, लेकिन प्रोफाइल देखकर उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वीज़ा ऑफिसर को
कि आप वापस आओगे, तो आपको अपने सबसे पहले तो प्रोफाइल पर काम करने की ज़रूरत है। मेरे से फाइल तैयार करा रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन का तो आप मेरे पे छोड़ देना, वो तो मैं बहुत अच्छे से आपकी परफेक्शन के साथ कर ही दूंगा। आपको प्रोफाइल पर काम करना चाहिए। मान लो दो केस अराइज होते हैं, वीक प्रोफाइल पर या एवरेज प्रोफाइल पर। नंबर वन कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, नंबर टू आप सैलरी ले रहे हो। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, MSME हो, GST हो, गुमस्ता या कोई और लाइसेंस हो, ये सब। इसके अलावा ये तो लोग जनरली होता ही है लोगों के पास जो भी अपना बिजनेस कर रहा है या एक दिन में बन जाता है। सबसे मेन जो आप पेमेंट लेते हो अपने बिजनेस की, कैश में मत लेना, अकाउंट में लेना और सिग्निफिकेंट मात्रा में लेना। कुछ ऐसा कि कम से कम 50,000 रुपये महीने का प्रॉफिट दिखा सको। कई ऐसे सर्विस बिजनेस होते हैं, जैसे डॉक्टर है, वो जितनी फीस लेता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो अगर वो 70-80 हज़ार रुपये की भी पेमेंट महीने की दिखा रहा है तो अच्छी कमाई मानी जाएगी। तो कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें 10 रुपये की चीज़ बेची है तो 1 या 2 रुपये का प्रॉफिट है। तो अगर आपको 50,000 का प्रॉफिट दिखाना है तो कम से कम 2.5 लाख रुपये की आप ट्रांजैक्शन दिखाना और अकाउंट में पैसे लेना। तो इस तरीके से जब आप 3 महीने ऐसा करोगे उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट मेंटेन्ड है नहीं और तुरंत वीज़ा अप्लाई कर दिया, ऐसा मत करना। अगर अभी रिफ्यूज़ल है या पास्ट में रिफ्यूज़ल था तो पहले आप अपनी स्टेटमेंट को अच्छा करो, जिससे कि ये साबित हो कि आप जो कह रहे हो कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ, कमाता हूँ, कैश में नहीं चल रहा, अकाउंट में आ रहा है और प्रूव हो रहा है कि आप अच्छी इनकम कर रहे हो, तब आप अप्लाई करना। और अगर आप सैलरी ले रहे हो और वो सैलरी कैश में लेते थे तो कैश में मत लेना, वीज़ा आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं कैश में सैलरी लेकर। आप अपने अकाउंट में सैलरी लेना और किसी तरीके से आप अपनी सैलरी ज़्यादा दिखाओ। और साथ में वो जो दूसरी चीज़ें मैंने बताई थी, जो मैंने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले के लिए बताई थी, उसी तरह यहाँ पे भी आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाने होंगे। और जो आपने ट्रैवल प्लान दिखाया है वो बहुत प्रॉपर और लॉजिकल होना चाहिए। ट्रैवल आइटनरी ख़राब होने से इंटेंशन दिखती है कि इस पर्सन को घूमने नहीं जाना, कुछ और बातें। रिफ्यूज़ल आया आपका तो आपके मन में आ सकता है, आपने 4 जगह फ़ोन करा होगा, लोग कहेंगे कि जी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ फिर आपका वीज़ा आएगा। भाई प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़ना, ट्रैवल हिस्ट्री से कुछ भी नहीं होता, एक पैसे की वैल्यू नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री की। अपनी मेहनत के पैसे ट्रैवल हिस्ट्री पे बर्बाद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा आना है तो वो सीधे तरीके से ही आ जाएगा, ट्रैवल हिस्ट्री में पैसे फूंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना प्रोफाइल बेटर करना है और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी है। आप तो सिर्फ अपना देख रहे हो, मैं तो सबका देख रहा हूँ ना वीज़ा का काम। आई नो इट बेटर, मुझे पता है क्या देख के वीज़ा दिए जा रहे हैं। उनको बस ये चाहिए कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पैसे खर्च करो और आ जाओ। और ये इस चीज़ का आकलन इस चीज़ को देख के करते हैं कि आप यहाँ अच्छे से कमा रहे हैं या नहीं, और सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं या नहीं, और जो आप दिखा रहे हैं ट्रैवल प्लान उसमें लॉजिक है या नहीं। तो एक तो ट्रैवल हिस्ट्री का बताया मैंने, इससे कुछ नहीं होता। एक और बात का ध्यान रखना, ऐसे जो रिलेटिवली अननोन कंट्रीज़ हैं जैसे लेटविया, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, जो उतने ज़्यादा मेन नहीं है, इनमें अप्लाई करने से बहुत बुरी तरह से बचना, कोई ज़रूरत नहीं है इनमें अप्लाई करने की। जो वैसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी, जो ज़्यादा मेन हैं जिनमें टूरिज़्म होता है, जैसे जर्मनी, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इस तरह के जो मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ टूरिज़्म वैल्यू होती है, अब वहाँ पर अप्लाई करना। उससे भी आपकी इंटेंशन ज़्यादा प्योर दिखाई देगी कि इस शायद इस पर्सन को घूमने ही जाना हो, तभी ये इतने मेन कंट्रीज़ जैसे बर्लिन, रोम, स्विट्ज़रलैंड, इन सब में जा रहा है। और दूसरी तरफ आप लग्जमबर्ग में या कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, मेरे को लोग कॉल करके कहते हैं कि मैं लेटविया में करना चाहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि यहाँ से वीज़ा आ जाएगा, वो कहते हैं हाँ जी। तो मुझे भी पता है कि तुम वहाँ क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी पता है क्यों कर रहे हो, और जो वीज़ा ऑफिसर है उसको भी पता है। तो वो आपका इंटरव्यू भी लेगा और आपको बिल्कुल भी आसानी से वीज़ा नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से आफ्टर शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल आगे की जो कार्रवाई है उसको लेके आपका कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत काम की जानकारी आपको देता रहूँगा। और अगर आपको मुझसे फाइल रेडी करानी हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। बहुत सारे रिकॉर्ड नंबर ऑफ शेंगेन वीज़ास में लोगों को दिलाएं, इस यूट्यूब चैनल के पेज पर जाना, कम्युनिटी पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको सारे वीज़ा दिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम जितेंद्र शर्मा।